बाराबंकी जनपद केले की खेती का बड़ा हब बनता जा रहा है। यहां लगभग 3,000 किसानों द्वारा 6,000 हेक्टेयर भूमि में केले की खेती की जा रही है। केले की खेती में पनामा बिल्ट नामक बीमारी से किसानों को नुकसान हो रहा था। किसानों को जागरूक करने के लिए नाबार्ड और एमिटी यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में एक दिवसीय किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों से इस रोग के लक्षणों की जानकारी और बचाव की जानकारी साझा की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों को सुरक्षित करना है। कार्यशाला में पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसान रामशरण शर्मा ने भी लाइव जुड़कर अपनी जानकारी साझा की। एमिटी यूनिवर्सिटी के निदेशक शालिनी सिंह बिशेन ने कहा कि किसानों को सहयोग करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। जब किसान मजबूत होगा तभी गांव और समाज मजबूत होगा। 20 किसान अभी फिलहाल के लिए हम 3 डिस्ट्रिक्ट पे केंद्रित हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमने सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी रखा है। मेनली ये प्रोग्राम हमारा जो है वो बनाना फार्मिंग के ऊपर है। जो किसान भाई हमारे बनाना से केतकी की खेती कर रहे हैं उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, तो मेन हमने जो प्रोग्राम इसको रखा है, ये एक बीमारी है जो केले में बहुत ज्यादा फैल रही है। अब ये बीमारी पूरे उत्तर प्रदेश में ही फैलती जा रही है, जिसको बोलते हैं पनामा बिल्ट। इसका दूसरा नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सोस्पोरम क्यूबेन से होती है, जिसको हम फ्यूजेरियम बिल्ट भी बोलते हैं। अगर इस बीमारी के बारे में हम सुने तो ये अभी तक जितने भी पौध स्पीशीज हैं बनाना की, इस सबको ही अटैक कर रही है ये। तो इसके लिए हमने अपने फार्मी विकसित करी अपने लैबोरेटरी में, और जो हमने अभी बिहार और कई स्टेट्स में करके देखा है तो सक्सेसफुल है। नाबार्ड ने अमेठी यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया, जिसके माध्यम से बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर जिले में कुछ किसानों के साथ उनके खेत पे प्रयोग के तौर पर कुछ पद्धतियां, वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, जिसके तहत हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ दवाइयां ईजाद की हैं, जैविक उर्वरक ईजाद किए हैं, बायोपेस्टिसाइड जिन्हें कहते हैं, जिनका इस्तेमाल करके इस बीमारी को पूर्णतया के नियंत्रण पाया जा सकता है और उनकी फसलों को बचाया जा सकता है। और इसी योजना के तहत ये 2 साल तक ये प्रोजेक्ट इन तीनों जिलों में चलेगा, और मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमारे तीनों जिलों के किसानों को कहीं ना कहीं उनको इस बीमारी से निजात पाकर अपनी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मैं पोस्ट पे हूँ इस प्रोजेक्ट पे, और इसमें जो फंगस है इसको हम लोग लैब में लाके उसका आइसोलेट करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद हम उसको जैसे इस पे जो नई नई टेक्निक्स वगैरह हैं इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं।